12 की इंग्लिश फर्स्ट पेपर में मैं आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। पहले लेसन का नाम अ गर्ल विथ ए बास्केट। विलियम सी डगलस के राइटर हैं। मैंने राइटर और उसके अबाउट द लेसन के बारे में चर्चा कर दी है। आज की वीडियो में हम आप सीखेंगे इसके पार्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, पार्ट हमारा ये है, जा रही थी फ्रेंड्स, पार्ट हमारा है फर्स्ट पार्ट अ गर्ल विथ ए बास्केट। देखिए यहाँ पे दिया, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाय ट्रेन एंड देन बाय कार टू रानीखेत। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। आई हैड माने छोड़ देना। आई हैड मतलब हैड माने मतलब आई हैड मैंने जो है लेखक ने लेफ्ट मतलब छोड़ देना। न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज, मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल दिया था। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड दिया, आई वॉज गोइंग एज फार एज माने जैसे ही। आई वॉज गोइंग मैं जैसे ही बरेली से बाय ट्रेन, मैं ट्रेन से एंड और देन तब बाय कार टू रानीखेत और रानीखार कार द्वारा गया। एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी स्टेशन, एक ब्रिटिश छावनी का पुराना है जो स्टेशन था वह लोकेटेड स्थित था, कितना, 6000 फीट की ऊंचाई पे, ठीक ना, 6000 फीट की ऊंचाई पे क्या था वह स्थित था। अच्छा एक बात और भी है फ्रेंड्स, इसमें देख रहे हैं आप लोग। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था यहाँ पे, आज ये फिर आपको दोहरा देते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज, लेखक जो कह रहा है कि आई हैड, यहाँ पे देखा जाए फ्रेंड्स, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज, मैं नई दिल्ली से हिमालय के चल दिया था। कौन, लेखक चल दिया था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाय ट्रेन, इसके बाद है एंड और देन बाय कार टू रानीखेत। आई वॉज गोइंग मैं जा रहा था, एज फार एज माने जैसे ही, बरेली से बाय ट्रेन के द्वारा एंड और देन तब बाय कार टू रानीखेत, तब मुझे कार द्वारा रानीखेत जाना था। एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी स्टेशन, एक जो ब्रिटिश होता है यानी कि अंग्रेजों का जो ओल्ड था स्टेशन, मतलब आर्मी हिल स्टेशन का मतलब मित्र होता है कि जो आर्मी ब्रिटिश छावनी का जो हिल, जो पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, कितने, 6000 फीट की ऊंचाई पे था। अपोजिट मतलब बगल में 120 मील जो है स्ट्रेच मतलब फैला हुआ था, स्ट्रेच माना चारों तरफ फैला हुआ, स्नो कैपेट माने बर्फ से हिमालय की चोटी पे। द ट्रेन वाज स्लो, जो वह ट्रेन थी, द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन जो धीमी गति से चल रही थी। एंड और इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, यह प्रत्येक स्टेशन पे रुक रही थी। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टेशन पे, आई स्वंग ओपन द डोर, मैं अपना दरवाज़ा खोल देता था। आप माई कंपार्टमेंट, अपने रेल के डिब्बे को, एंड वॉक द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म पे मैं टहलने लगता था। द प्लेटफार्म वर पैक्ड विथ पीपल, जो प्लेटफार्म था लोगों से भरा हुआ था, जो प्लेटफार्म था किससे, लोगों से भरा हुआ था, जो प्लेटफार्म था वह लोगों से मित्र क्या हुआ था, भरा हुआ था। द प्लेटफार्म वर पैक्ड विथ पीपल, प्लेटफार्म लोगों से भरा हुआ था, किन किन लोगों से भरा हुआ था इसकी चर्चा चलिए कर लिया जाए। हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था आपको, द प्लेटफार्म, जो प्लेटफार्म था वर पैक्ड, भरा हुआ था, पीपल मतलब लोगों से, सिख मतलब सिखों से, सिख मतलब क्या होता है, सिखों से, मुस्लिम्स मतलब मुस्लिमों से, मुसलमानों से, हिंदूज माने हिंदुओं से, सोल्जर माने सिपाहियों से, मर्चेंट माने क्या होता है, व्यापारियों से, पिरिट्स माने होता है पुजारियों से, पिरिट्स माने क्या होता है, पुजारियों से, पिरिट्स माने पुजारियों से, पोर्टर्स माने क्या होता है, कुलियों से, पोर्टर, पिरिट्स मतलब पुजारी, पोर्टर्स माने कुलियों से, बिगर्स मतलब होता है भिखारियों से, आकर्स माने फेरी वालों से भरा हुआ था, आलमोस्ट माने लगभग, आलमोस्ट माने क्या होता है, लगभग, इंग्लिश में आलमोस्ट माने लगभग होता है, आलमोस्ट एवरीवन लगभग प्रत्येक लोग, वाज बियर फूड नंगे पाँव थे, एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट, और जो ड्रेस पहने हुए थे लूज था, ढीला डाला था, वाइट गारमेंट का मतलब होता है सफ़ेद कपड़ा, गारमेंट मीन्स कपड़ा। आई वुड आस्क, मैं प्रत्येक लोगों से पूछता था, एटलीस्ट 3 पीपल, मुझे उसमें से प्रत्येक 3 लोग मिलते थे, बिफोर, इससे पहले कि आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, उसमें से कोई 3 में से 1 मिलता था जो इंग्लिश बोल सकता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर एंड एवरी मेजर टॉपिक द नेशन, हम लोग उस समय सांसारिक गतिविधियों के बारे में चर्चा कर रहे थे जो उस समय की सबसे बड़ी न्यूज हुआ करती थी। कह सकते हैं कि हम विश्व की समस्याओं तथा उस दिन के समाचारों के मुख्य शीर्षकों के बारे में बात करते थे। इसके इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशंस, इन
इन दिस वे, इस मार्ग के द्वारा यानी इसकी तरीके से आई वाज, मैं कोशिश कर रहा था, ट्राइंग मैंने कोशिश कर टू गेट, प्राप्त करने, फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, उस भारत की नस को टटोलने की मैं कोशिश कर रहा था अपने दृष्टिकोण से, चेकिंग ओपिनियंस और मैं सलाह के साथ में अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्टर्स, अर्थात भारत के लोगों की भावनाएं अमेरिकी सरकार के प्रति क्या, उसके विषय में क्या विचार है, ये सारी चीज़ें जो है कि मैं अपनी ओपिनियन से चेक कर रहा था, देख रहा था। आगे द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज, द रूट ले थ्रू, अच्छा द रेट रूट माने होता मार्ग, आर ओ यू टी ई रूट माने होता मार्ग। इसके बाद प्लेन की स्पेलिंग याद रखेंगे, प्लेन मीन्स होता मैदान, और जो जो आएगा हम लोग उसकी चर्चा कर लेंगे, नहीं तो इसमें अर्थों की चर्चा कर लीजिए। देखिए एग्रीकल्चर माने होता कृषि, एरियाज माने क्षेत्र, प्लेन माने मैदान, अपर माने ऊंचा, अपर माने क्या होता है फ्रेंड्स, ऊंचा। अब देखिए यहाँ पे दिया है सी लेवल, सी लेवल माने होता है समुद्री, समुद्र तल, सी लेवल माने क्या होता है समुद्र तल, सी लेवल मीन्स क्या होता है समुद्र तल, तो सी लेवल माने समुद्र तल, सी लेवल मीन्स क्या होता है समुद्र तल। चलिए तो सी लेवल माने हमने बताया आपको, सी लेवल माने समुद्र तल। इसके बारे में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए क्या करते हैं यहाँ पे देख लीजिए, इसका अर्थ ही बल्कि इसकी अर्थ के बारे में चर्चा कीजिए, अर्थ मैं आपको बता देता हूँ, अर्थ देखिए फ्रेंड्स क्या है, इस अर्थ के बारे में चलिए चर्चा कर लिया जाए, यहाँ से किताब को मैं एडजस्टमेंट कर लेता हूँ ताकि आपको सही दिखे। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज, देखिए दिया कि द रूट ले, जो रूट था अर्थात रास्ता था, कह सकते हैं कि मेरा रानीखेत जाने का जो रास्ता था या मेरा रानीखेत पहुंचने का जो मार्ग था, वो भारत के सबसे धनी, रिचेस्ट मतलब था धनी, भारत के सबसे धनी, भारत के सबसे धनी इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज, भारत के सबसे धनी किसी क्षेत्रों से होकर जा रहा था, किसी क्षेत्रों से होकर जा रहा था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर्स, दिस वाज, यह दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा, द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, यह गंगा नदी के मैदान का ऊपरी भाग था, 1000 feet above सी लेवल बट ट्रॉफिकल, जो समुद्र के धरातल से 1000 feet पर ऊंचा था, 1000 feet पर ऊंचा था, कितने फीट पर 1000 feet पे, जो 1000 feet above सी लेवल बट ट्रॉफिकल, ऊंचा था बट ट्रॉफिकल, किंतु ट्रॉफिकल का मतलब होता है किंतु जो है कि किंतु गर्म था, किंतु गर्म प्रदेश था, ट्रॉपिकल किंतु गर्म प्रदेश था, बट ट्रॉपिकल किंतु गर्म प्रदेश था। आगे देखा जाए द, यहाँ से द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, ब्राउन माने भूरा, ब्राउन माने भूरा, द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा का भूरा जल, स्वेलन विथ फ्लूड वाटर्स, स्वेलन विथ फ्लूड वाटर, स्वेलन मतलब भरी हुई, स्वेलिन मतलब भरी हुई, फ्लूड माने बाढ़ से, तो स्वेलिन विथ फ्लूड वाटर, स्वेलिन मीन्स भरी हुई, फ्लूड मीन्स बाढ़, फ्लूड मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, बाढ़ कह सकते हैं, एफ एल ओ डी फ्लूड मीन्स बाढ़, तो स्वेलिन विथ फ्लूड वाटर्स, इसका मतलब यह हो जाएगा कि गंगा का भूरा जल रेती मिला हुआ था, क्या मिला होता है, रेती मिला हुआ था, इट्स ओवरफ्लो इनोडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एरियाज ऑफ राइस, वह बाढ़ के पानी से उमड़ रही थी, वो बाढ़ के पानी से क्या रही थी, ओवरफ्लो इनडेटिंग थाउजेंड एरियाज ऑफ राइस, जो बाढ़ के पानी से उमड़ रही थी, उसके बाढ़ के पानी में हजारों एकड़ चावल की खेतों को डुबो रखा था, चावल खेतों को क्या कर रहा था, रखा था थाउजेंड्स ऑफ एरियाज ऑफ राइस, चावल के खेतों को क्या कर रखा था, डुबो रखा था। आगे यहाँ पे देख सकते हैं
तो यहाँ पे मैंने चर्चा किया था कि दिस वाज द प्लेन ऑफ, हाँ तो द ग्रोन ये सब हो गया, अंडरटेकिंग था जो टू द नॉर्थ वर जंगल, टू द नॉर्थ वर जंगल, उसके दोनों तरफ जंगल थे, या कह सकते हैं कि उसके इसके उत्तर में जंगल थे, नॉर्थ की बात हुई है, नॉर्थ द टू द नॉर्थ वर जंगल, टू द नॉर्थ वर जंगल, इसके उत्तर में जंगल थे, इसके उत्तर में जंगल थे, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन अ मैंस हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेशनल क्लम्स ऑफ ट्रीज, ग्रेट एक्सपेंसेस, ग्रेट एक्सपेंस का मतलब होता है ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ द ग्रास हायर देन अ मैंस हेड, इसका मतलब होगा दूर दूर तक फैले हुए आदमी के सिर से ऊंची घास, एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेशनल क्लम्स ऑफ ट्रीज, के मैदान थे जिनमें कहीं कहीं जंगली पेड़ों के गुच्छे थे, जंगली पेड़ों को क्या मिल जाते थे, गुच्छे थे, जंगली पेड़ों के गुच्छे थे, क्लैम्स ऑफ ट्री मतलब जंगली पेड़ों के गुच्छे थे, द होम ऑफ टाइगर्स अर्थात इन मैदानों में चीते, एलिफेंट्स मतलब हाथी, पैथॉन्स माने होता है अजगर, हिरन, और इसमें देखिए ऊंची ऊंची घासों के जो मैदान थे, इन मैदानों में चीते हाथी अजगर, पैथन मीन्स अजगर होता है, एलिफेंट मीन्स हाथी है, पैथन अजगर एंड कोबराज, और जो कोबरा थे वो थे, कोबरा भी थे इसमें, अजगर था, जहरीले सर्प रहते थे। आगे बात किया जाए, एवरीवेयर इल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होरिजन्स, एवरीवेयर एवरीवेयर इल्स देयर वाज, एवरीवेयर इल्स देयर वाज, इसका मतलब यह हो गया कि जो अन्य सब जगह चौरस मैदान थे, जो क्षितिज तक फैले हुए थे, जो क्षितिज तक फैले हुए थे, ओरिजिन में क्षितिज तक, बट डोटेड हेयर एंड देयर बाय द स्क्रेट बनियान ट्री और बाय रोज ऑफ पकार ट्रीज, बस डोटेड, बट डोटेड मतलब क्या होता है, किंतु, बट माने किंतु, कहीं कहीं पर, हेयर एंड देयर कहीं कहीं पर, हेयर एंड देयर कहीं कहीं पर, बाय द स्क्रेट बनियान ट्री, बाय द स्क्रेट बनियान ट्री, पवित्र बरगद के वृक्ष, और अथवा बाय रोज आप पकार या पकार वृक्षों की कतारें, ट्रीज पकार ट्रीज पकार वृक्षों की कतारें, सेव्ड लाइक इल्म्स एंड हैविंग थिंग्स ट्विस्टेड ट्रंक्स, ये इल्म्स एक प्रकार का पेड़ की, एक इल्म्स जो है एक प्रकार का पेड़ होता है, एक प्रकार का पेड़ वो होता है, या एक प्रकार की पेड़ की तरह के पेड़ थे, हैविंग ट्विस्टेड ट्रंक्स, ट्रंक का मतलब होता है तना, जिनके तने घने और ऐंठे हुए थे, जिनके तने क्या है, जिनके तने घने हुए और ऐंठे हुए थे। इसके बाद आगे बढ़ा जाए, हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, हॉट ह्यूमिड, हॉट मतलब क्या होता, गर्म, या दक्षिण पश्चिम से गर्म और तर हवा आ रही थी, गर्म और तर हवा आ रही थी, मंकीज जो बंदर थे, सम ऑफ देम्स मदर, सम ऑफ देम मदर्स, कुछ जो बंदर थे, जो उसमें कुछ बंदर थे, वो बंदरियों के अपने बच्चों को, विथ हिज बेबीज क्लिंगिंग टू, बेबीज क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ, अपने जो बंदरियां थी अपने बच्चों को पेट के नीचे चिपकाए हुए चल रही थी, पेट के नीचे क्या करे, चिपकाए हुए चल रही थी, पेट के बेबीज माने बच्चों को, क्लाइंगिंग माने देम, राइडिंग मिस होता है सवारी करना चलना, तो उनके ऊपर वो अपना अंडरनीथ अपने अंदर लिए हुए चल रही थी, स्वंग ऑफ ट्रीज, स्वंग ऑफ ट्रीज एंड द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड, इसका मतलब ये हो गया कि स्टेशनों पर भोजन की तलाश में आ जाते थे, स्टेशनों पर भोजन की तलाश में आ जाते थे, भोजन की तलाश में आ जाते थे, द विलेजेस द विलेजर द
द विलेजेस वी पास्ड एंड वॉक्ड मेड ऑफ मड मिक्स्ड विथ वाटर एंड कोडंग। जो जिन गांवों से हम गुजरे थे, द विलेजेस वी पास्ड, जिन गांवों से हम गुजरे थे, द विलेजेस जिन गांवों से वी पास्ड हम गुजरे थे, हैड वॉक्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विथ वाटर एंड कोडंग। उनकी दीवारों पर गोबर से लिपी हुई, उनकी दीवारों पर गोबर से लिपी हुई थी, या उनकी दीवारें गोबर से लिपी हुई थी, काउडंग माने गोबर से लिपा हुआ। ठीक आगे, देयर पीक्ड रूफ्स वर टैच्ड, उनकी छतों के ऊपर छप्पर थे। देयर पीक्ड रूफ माने छतों के, वर टैच्ड माने छप्पर थे। बंडल्स ऑफ ग्रास, बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पूल्स स्ट्रेच अक्रॉस द राफ्टर्स। बंडल्स ऑफ ग्रास उन छपरों के ऊपर उगी हुई, उन छपरों के ऊपर उगी हुई कद्दू की बेलें विकसित हो रही थी। कद्दू की बेलें क्या हो रही थी, विकसित हो रही थी, या कह सकते हैं कि उनकी छतों के ऊपर छप्पर थे। उन दिनों छप्परों के ऊपर लगी हुई कद्दू की बेली विकसित होकर भूरे रंग की भद्दी दीवारों से लटक रही थी, भूरे भद्दी दीवारों से लटक, ड्राइंग स्ट्रेक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैप वॉल्स, भूरे भद्दी दीवारों से लटक रही थी। आगे देखा जाए,